संयुक्त राष्ट्र के अंग, तो यहाँ पे जो है हमें संयुक्त राष्ट्र के अंग के विषय में जानकारी दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं और उसमें किस किस का समावेश होता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए जिस तंत्र का गठन किया है उसके निम्नलिखित मुख्य 6 अंग है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संयुक्त राष्ट्र जो है उसने अपने उद्देश्य जो है अपने निर्धारित उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए जिस तंत्र का गठन किया है उसके मुख्य निम्नलिखित 6 अंग है। सचिवालय, सामान्य सभा, सुरक्षा समिति, आर्थिक और सामाजिक समिति, अभिभावक समिति और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि उनके जो मुख्य 6 अंग है उसमें पहला है सचिवालय, उसके बाद सामान्य सभा, सुरक्षा समिति, आर्थिक और सामाजिक समिति, अभिभावक समिति तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नेदरलैंड के हेग शहर में है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसके यह जो मुख्य 6 अंग है उसमें से जो यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्य कार्यालय है वह नेदरलैंड के हेग शहर में है। उसके अतिरिक्त अन्य समितियों का मुख्य कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो हमें यहाँ पे बताया है कि इसके अतिरिक्त जो मुख्य 5 अंग है उनके जो समिति है उनका मुख्य कार्यालय है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पे हम इन सबके विषय में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अंगों के कार्य, तो यहाँ पे हमें बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के अंग जो है वे कौन कौन से अंग कौन कौन से कार्य करते हैं। तो सामान्य सभा, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है सामान्य सभा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के जो अंग है 6 उनमें जो है संयुक्त राष्ट्र में सामान्य सभा जो है वह संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य अंग माना जाता है। यह सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से बनी है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधियों को भेज सकती है, परंतु मतदान के समय प्रत्येक राष्ट्र का केवल एक ही मत जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा जो अंग है वह है सामान्य सभा और यह जो है सभी सदस्य राष्ट्र जो है उनके प्रतिनिधि से बनी होती है। तो प्रत्येक राष्ट्र जो है वह अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं और इसमें अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधियों को भेजा जा सकता है, परंतु जब मतदान होता है तो उसमें प्रत्येक राष्ट्र से केवल एक ही मत जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा, सलाह, परामर्श या सिफारिश कर सकते हैं। तो यह जो सामान्य सभा है यह अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उनसे संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा पर या मुद्दों पर सलाह, परामर्श या सिफारिश जो है वह कर सकती है। तो यह जो है सामान्य सभा का अंग माना जाता है। सामान्य सभा के सभा खंड, तो यहाँ पे जो है आपको सामान्य सभा जो है उसके सभाखंड का यहाँ पे चित्र बताया गया है कि उसके सभाखंड किस तरह से होती है और यह किस प्रकार आयोजित की जाती है। महामंत्री हर एक वर्ष जो बजट प्रस्तुत करता है उसे मंजूर करना तथा उसके खर्च की राशि का आवंटन करना, राष्ट्रों के आर्थिक विकास, मानव अधिकार, निःशस्त्रीकरण या सांप्रत अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निराकरण लाने का प्रयास करते है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय सामान्य सभा की जो सभाखंड है वह यह काम करता है, जिसमें हमने पहले देखा कि प्रत्येक राष्ट्र से एक एक मत लिया जाता है और जो है किसी भी राष्ट्र के जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, झगड़े वगैरह जो है उसके संबंध में जो है परामर्श, सलाह वगैरह ले सकती है दूसरे किसी भी राष्ट्र से। तथा दूसरा इसका कार्य है कि महामंत्री हर एक वर्ष जो बजट प्रस्तुत करता है पूरे वर्ष का उसमें जो है उसे मंजूर करना तथा उसके खर्च की जो राशि है उसे आवंटन करना। तो यह कार्य जो है सामान्य सभा का रहता है। उसके बाद में उसका तीसरा कार्य रहता है कि राष्ट्र के आर्थिक विकास जो है, मानव अधिकार है, निःशस्त्रीकरण या सांप्रत अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों जो है उनके विषय में निराकरण लाने का जो कार्य है वह सामान्य सभा का कार्य होता है। अब हम यहाँ पे जो है उसके विषय में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे और उसका जो मुख्य और चौथा कार्य बताया है वह यह है कि सामान्य मामलों में निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। तो सामान्य यदि कोई मामला हुआ है किसी भी देश, 2-3 देशों के बीच में या किसी भी राष्ट्र के बीच में, तो उनके विषय में जो निर्णय लेने का कार्य है वह 2/3 सदस्यों के बहुमत से लिया जाता
है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें इसके विषय में बताया है। अब आगे हम सुरक्षा समिति के विषय में जानेंगे कि सुरक्षा समिति क्या है। तो सुरक्षा समिति संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ये 5 स्थायी सदस्य है, बाकी 10 अस्थायी सदस्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संयुक्त राष्ट्र जो है यह सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है सुरक्षा समिति। तो सुरक्षा समिति जो है यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसमें जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन जो है यह इसके जो है स्थायी सदस्य है और इसके बाद में जो है इसके 10 अस्थायी सदस्य भी है। इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत विशाल अधिकार दिए गए है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो सुरक्षा समिति है इसको जो है पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो है अत्यंत विशाल मात्रा में अधिकार इस समिति को दिए गए है कि वह किस प्रकार से इस समिति का उपयोग में जो है वह करके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सकती है। राष्ट्रों के किसी भी झगड़े का निपटारा करने के लिए समझौता, जांच और मध्यस्थता द्वारा शांतिमय तरीके से प्रश्नों को हल करती है। तो यह जो सुरक्षा समिति है यह जो है किसी भी राष्ट्र के बीच के झगड़े का निपटारा करने के लिए उसका समझौता करने तथा जांच करनी और उसके जो है मध्य का ऐसा हल निकालना कि जिससे जो है शांतिमय रूप से जो है इन सभी प्रश्नों का हल हो सके, ऐसा कार्य जो है यह सुरक्षा समिति यह करती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने के लिए 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक मत स्वीकारात्मक न हो तो उस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे हमें बताया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण मामला है उसमें निर्णय लेने के लिए यह जो 5 सदस्य बताए गए हैं इन 5 सदस्य में से यदि कोई एक भी सदस्य उस निर्णय पर स्वीकार न करे तो जो है वह निर्णय स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो 5 सदस्य जो है उन 5 सदस्यों का जो है वोट होना यहाँ पे आवश्यक माना जाता है। उसमें से यदि कोई भी एक भी व्यक्ति मना करे, एक भी सदस्य मना करे तो यह जो निर्णय होता है वह स्वीकारात्मक नहीं होता है, उस पर वह निर्णय नहीं लिया जाता है। 5 स्थायी सदस्य देश की इस सत्ता को निषेधाधिकार वीटो कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो 5 स्थायी सदस्य है यह देशों की इस सत्ता को जो है निषेधाधिकार यानी वीटो कहते हैं। तो वीटो क्या है विद्यार्थियों, इसके विषय में अपनी पिछली कक्षा में जो है जानकारी प्राप्त की थी। रूस ने सबसे अधिक बार इसका उपयोग किया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि रूस जो है उसने सबसे अधिक बार जो है इसका उपयोग किया है। तो यहाँ पे जो है आपको इस चित्र में ईस्वी सन 2006 तक स्थायी सदस्य राष्ट्रों द्वारा वीटो पावर के लिए किए गए उपयोग का चार्ट। तो यहाँ पे बताया है कि स्थायी सदस्यों द्वारा जो है वीटो पावर का किस तरह से उपयोग किया गया था उसका चार्ट दिया गया है, जिसमें अमेरिका 82%, ब्रिटेन 32%, फ्रांस 18%, सोवियत रूस जो है वह है 12.2% यानी 122 और उसके बाद चीन जो है वह यहाँ पे बताया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें इन सब के विषय में जानकारी दी गई है।